मुहर्रम में काला सूट पहनना जायज है? सवाब का काम है जी आजकल तो पहनना, मुहर्रम अभी शुरू नहीं हुआ, इसलिए ताकि इनको बताएं आप जिन्होंने नबी इस्लाम के ऊपर झूठ बांधा है, ये कितना बड़ा झूठ बांधा है इन्होंने, कि इन्होंने नबी इस्लाम की तरफ ऐसी बातें मंसूब की हैं कि काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है। हालांकि काला लिबास नबी इस्लाम का सबसे मरहूब, बल्कि कहना चाहिए महबूब लिबास है। आपका झंडा काला था, वैसे तो आपको कहते हैं खुरासान से काले झंडे आते हुए देखो तो इस्तकबाल करना, उसमें खलीफतुल्ला मादी होंगे तो वो भी काला सफेद करवा लेना था ना। ये रीस नहीं मुसनद अहमद की बयान करते हैं और मिशकात से करते हैं ना, और जो सही मुस्लिम में ऊपर तले कई अहदीस है कि नबी इस्लाम जुम्मे वाले दिन काली पगड़ी पहन के तो तकरीर किया करते थे, फतह मक्का के मौका पर आपने काली पगड़ी पहनी हुई थी, ये नहीं इनको पता। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है नबी इस्लाम का कि सरवानी तियालसी यानी पर्शियन अंपायर का काला जुब्बा जो काला होता था जिस तरह सिंधी अजरक रेड होती है, वो निकाला अस्मा बिनते अबी बकर ने और उन्हें कहा ये रसूलल्लाह पहनते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद सईद आयशा के पास